नमस्ते, वेलकम टू माय किचन। इसमें मौसम चेंज होने की वजह से सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, सभी को ये प्रॉब्लम हो जा रही है। ये गोली एक खाने के बाद ही आराम, बहुत आराम मिल जाता है और बहुत रिलैक्स फील होता है। इससे खांसी, खराश, जो भी प्रॉब्लम होती है ख़त्म हो जाती है। तो इसे बनाइए और बच्चे भी काफ़ी आराम से इन्हें खा लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कप हमने अदरक ले लिया, इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया और उनके छिलके हमने निकाल दिए हैं ये, और छोटे पीसों हमने काट लिया इन्हें। अब ये दो गुड़ है और इन्हें भी हमने ग्रेट कर लिया है। इस तरह से देखिए अच्छे से हो चुके हैं ये। और पहले हम अदरक को हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, हमें पेस्ट बना लेना है इनका। हमें ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्मूथली ये पेस्ट बन चुके हैं ये। और ये देखिए मैंने इस तरह से इन्हें पीस लिया है। अब एक हम कढ़ाई ले लेते हैं। अब गैस मैंने अभी ऑन नहीं किया, अभी ऑफ ही है मेरा गैस। तो पहले हम अदरक को हम डाल देते हैं पेस्ट को। मैंने देखिए पेस्ट हमने डाल दिया अदरक को। अब हम गुड़ डाल देते हैं इसमें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत आराम मिल जाता है ये गले को। और हम थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम। एक काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स होते जा रहे हैं ये। अब हम गैस ऑन कर दिया हमने इस समय। इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम में हमें धीरे धीरे पकाना है, जिससे कि नीचे जले ना ये, नहीं तो ये कड़ुआपन आ जाता है, स्वाद नहीं अच्छा लगता तब। तो इस तरह हमें लगातार इन्हें धीरे धीरे हमें चलाते रहना है, पकाता है उन्हें, हमें गाढ़ा होने तक इन्हें पका लेना है। ये काफ़ी अच्छे से पिघल चुके हैं ये। देखिए बॉईल भी हो रहे हैं। देखिए इस तरह से इन्हें हम चलाते हुए पका लेंगे। इनका पानी बिल्कुल सुखा लेना, हमें एकदम बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट हमें इनका चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हैं ये, काफ़ी से सूख भी गया था, और आधा थोड़ा सा और सुखाना है हमें इनका पानी को। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और कुछ फ्लेवर के लिए हम डाल देते हैं काला नमक, थोड़ा सा डाल देते हैं, और थोड़ा सा हम सादा नमक डाल देते हैं, 2 पिंच के लगभग है ये। और अब थोड़ा सा हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच ये है इलायची पाउडर। तो फ्लेवर रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे आराम से खा लेते हैं, और फीवर, ज़ुकाम, खराश, जितनी भी प्रॉब्लम हो जाती है वो आराम से इन्हें ख़त्म हो जाता है ये। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया, हमने ठंडा हो गया ये, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा बन गया है ये। तो इस तरह से हमें अब थोड़ा सा मैंने शुगर पाउडर ले लिया है थोड़ा सा। अब इन्हें गोली बना लेंगे हम धीरे धीरे, इस तरह से ठंडा होने पर हमें गोली बनाना है। ये देखिए गोली अच्छे से बन चुकी है ये। अब इसमें हम चीनी में हम डाल देंगे। इसी तरह फिर से हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है, ये काफ़ी अच्छे से देखिए गोल गोल बन जा रहे हैं ये, और देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इसी तरह सभी को बना लेना है। देखिए मैंने सभी को बना लिया है, और जो शुगर पाउडर है वो हमें चारों तरफ इन्हें लगा लेना है। ये देखिए सभी लग गए, और ये बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, और बड़े भी काफ़ी जो खराश रहती, जुकाम रहती, खांसी रहती है, बहुत आराम मिलता है ये। और एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आने वाला है आपको ये। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाए तो सबसे पहले पहुँचेंगे। अपनी फैमिली और फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।